आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ CBSE क्लास 8 अपनी ज़बान सबक नंबर 16, फ़लस्तीनी बच्ची के लिए लोरी। उन बच्चों के नाम जिनके माँ बाप भाई बहन अपने मुल्क की आज़ादी के जद्दोजहद में शहीद हुए। तो देखिए क्या ऐसी है, मत रो बच्चे रो रो के अभी तेरी अम्मी की आँख लगी है। मत रो बच्चे कुछ ही पहले तेरे अब्बा ने अपने गम से रुख्सती दी है। मत रो बच्चे तेरा भाई अभी ख्वाब की तितली पीछे दूर कहीं परदेश गया है। मत रो बच्चे तेरी बाजी का डोला पराए देश गया है। मत रो बच्चे तेरे आंगन में मुर्दा सूरज नहला के गए हैं, चंद्रमा दफना कर गए हैं, चंद्रमा दफना के गए हैं। मत रो बच्चे, अम्मी अब्बा भाई बाजी भाई चांद और सूरज तो अगर रोएंगे तो ये सब और भी तुझको रुलाएंगे, तू मुस्काए तो शायद सारे एक दिन भेष बदल कर तुझसे खेलने लौट आएंगे। फैज़ अहमद फैज़ के फ़लस्तीनियों के नाम है, वहाँ पे जो जुल्म है उसके नाम। तो यहाँ पे अल्फाज मानिए, डोला परदेश बड़ी डोली, चंद्रमा चांद घर अगर के मुख्तसर शक्ल, मुस्काना मुस्कुराना, गम से रुख्सत लेना रुख्सत यानी इजाज़त, यहाँ मुराद है गम से निजात पाना, भेज बदलना मुहावरा बदलना। सबक की तशरीह यहाँ पे जो सही से समझने के लिए आपको पढ़नी ज़रूरी है, तो आप इसे एक बार ज़रूर पढ़िएगा तशरीह को, ताकि आप जो है इसे अच्छे से समझ जाए। तशरीह हर शेर की और यहाँ पे भी है, आप देख सकते हैं ये तशरीह। मुख्तसर ख्याल ये ज़रूरी है, मरकजी ख्याल इस नज़म का पैगाम है कि हम अपने वतन की राह में शहीद होने वाले को मौत की खुशी से कबूल करें, आलो कि मौत को खुशी से, वो शहीद हुए हैं होने वाले हमारे अपनी हस्ती से फिर से ज़िंदा हो जाते हैं और उनकी जुदाई का गम दूर हो जाता है। ठीक है, अब सवाल जवाब है, मशहूर सवाल जवाब, तेरी अम्मी की आँख लगी है इस मिसरे में शायर का क्या कहना है। तेरी अम्मी की आँख लगी है इस मिसरे में शायर का कहना है, उस बच्चे की माँ अबदी नींद सो गई है। नज़्म में परदेश जाने से क्या मतलब, परदेश जाने से बड़ा इंतकाल करके इस दुनिया से चले जाना। शायर ने सूरज और चांद के लोगों का है, फ़लस्तीन की जंग आज़ादी में जो शहीद हुए शायर ने उन्हें फ़लस्तीनी शहीदों को चांद और सूरज का है। बच्चे के मुस्कुराने का क्या असर होगा, बच्चे के मुस्कुरा कर शहीद शहीदान वतन की मौत को कबूल करेंगे तो बहुत वो लोग उनकी ज़िंदगी में फिर से ज़िंदा हो जाएंगे और एक दिन भेद गुजर के उनके साथ के। किन लोगों को भेज बदल कर उठाने की बात कही गई है, शहदाने वतन माँ बाप भाई बहन भेज बदल कर उठाने की बात। अब इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है, जुमलों में इस्तेमाल जैसे परदेश, परदेश में अपने वतन जैसा आराम नहीं मिलता, डोला बाबुल अपने डोला उठाने की फिक्र में मुबतला है, आंगन मूसलाधार बारिश से सारा आंगन में पानी में गर्क हो गया, रुख्सत मरने के बाद दुनिया भी गमों से रुख्सती मिलती है, भैंस इंसान की भैंस में आप तो फरिश्ता है, लौट मेरे इंतज़ार करने में जल्दी ही लौट कर आऊँगा। इन लफ्ज़ों के मुतजाद, मुतजाद कहते हैं अपोजिट विलोम, गम खुशी परदेश देश, रोना हंसना पराया अपना दिन रात, इन लफ्ज़ों के मुजक्कर बयान कीजिए, मुजक्कर बनाएं, अम्मा अब्बा ठीक है, मीना मैना तोता, लड़का लड़की, राना रानी राजा, बहन भाई बेटी बेटा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी इस सबक की, और फ़लस्तीनी बच्ची की लोरी इसके सवाल जवाब भी मैंने समझा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।